बढ़िया टेक्नोलॉजी ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितनी अपग्रेड होती जा रही है उतने ही ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ एक फेसबुक पे फ्रॉड हुआ था, वही स्टोरी मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। उसे एक लंदन से एक लेडी की रिक्वेस्ट आई थी जो उसने एक्सेप्ट की। उसके बाद उनमें एक कम्युनिकेशन चालू हो गया। फेसबुक मैसेंजर पे वो लोग चैट करते थे, बाद में उन्होंने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किया और वो लोग व्हाट्सएप पे चैट करने लगे। उसके बाद उस लेडी ने उसको बताया कि मैं कुछ दिनों में मुंबई आ रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू सेंड वन गिफ्ट टू यू। तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने बोला ठीक है। और फिर एक दो दिनों के बाद ही उसे फिर से एक फ़ोन आया दिल्ली से और उसको बताया गया कि एक लंदन से आपके लिए गिफ्ट आया है और आपको उस गिफ्ट को क्लियर करने के लिए एक 27,500 रुपीज़ की GST भरनी होगी। तो उसने कुछ सोचा नहीं, उसने लगा कुछ नॉर्मल है, तो उसने वो अमाउंट भर दी। उसको एक अकाउंट नंबर दिया गया था, उस अकाउंट नंबर पे उसने वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद उसको दो दिन बाद फिर से फ़ोन आया कि यार ये जो आपको गिफ्ट आया है उसमें 30,000 pounds है और ऐसे अमाउंट ट्रांसफ़र करना इलीगल है, मतलब आपको इसके लिए कस्टम ड्यूटी क्लियर करनी होगी। तो मेरे दोस्त ने उसके लिए रिजेक्ट कर दिया। तो अमाउंट कुछ 66,500 रुपीज़ थी, तो उसने वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। तो उसको एक डेविड नाम के किसी फॉरेन एसेंट में बात करने वाले एक ऑफिसर ने फ़ोन किया और बताया कि अगर आपने वो अमाउंट क्लियर नहीं की तो आपको कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस खड़ी कर दी जाएगी और आपको उसको फिर पछताना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो फिर वो डर गया और उसने वो अमाउंट स्पेसिफिक जो 66,500 रुपीज़ थी वो भर दी। उसके बाद उसको फिर से फ़ोन आया कि उसको बताया कि स्पेसिफिकली ये जो अमाउंट है ये अमाउंट पाउंड्स में और उसको आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए अराउंड कुछ 77,500 रुपीज़ के कन्वर्जन चार्जेस भरने होंगे। तो ये फिर डर गया और उसने रिजेक्ट कर दिया कि यार इतना अमाउंट मैं तो भर ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जो लंदन की लेडी थी उसने उसको व्हाट्सएप पे हैरेस करना चालू कर दिया कि अगर आपने वो अमाउंट क्लियर नहीं किया तो मुझे सुसाइड करना होगा, ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ी है और वो अमाउंट मैं इतना ऐसे आसानी से उसको जाने नहीं दूंगी, तो आप प्लीज़ कैसे भी करके वो अमाउंट भर दीजिए। तो ये नाना कर रहा था पर उसको ब्लैकमेलिंग किया गया और उसको बाद में उसने प्रेशर में आके वो अमाउंट भर दी। उसके लिए भी उसको एक स्पेसिफिक अकाउंट दिया गया था, उस अकाउंट पे भरने के लिए बोला था। उसके बाद फिर से उसको एक लिंक भेजी गई जो दिल्ली से जो लेडी उससे बात कर रही थी, उसने उसको लिंक भेजी और उस लिंक पे वो कुछ रिजर्व बैंक जैसी वो लिंक दिख रही थी, उस पर उसको क्लिक करके उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया और उसको ओपन करने के लिए बोला गया। ओपन करने के बाद उसको उसके डिटेल्स वहाँ पे दिख रहे थे पूरे, और वहाँ पे दिखाया गया था कि आपके अकाउंट में कुछ एक 30,000 pounds आए हुए हैं करके, पर वो अमाउंट क्लियर करने के लिए आपको एक कोड लगेगा। तो उसने वो कोड फिर से उस दिल्ली के लेडी से ले लिया और वो कोड डालने के बाद उसको एक स्पेसिफिक COT चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऐसे कुछ ऑप्शन था वो भरने के लिए बोला गया, वो भी वो दिल्ली की लेडी ने उसको दिया। मतलब उसको प्रिटेंड किया गया कि एक लीगल वेबसाइट है रिजर्व बैंक का। और उसके बाद उसको एक लिंक दी गई जिस लिंक पे उसको मेल करने के लिए बोला गया, और मेल करने के बाद 3 घंटे में ही उसको रिटर्न मेल आया और उसमें बताया गया था कि आपको ये जो अमाउंट है वो क्लियर करने के लिए अराउंड कुछ 1,60,000 रुपीज़ पे करना होगा। तो उसने डायरेक्टली ये रिजेक्ट कर दिया। उसको लगा कि अभी कुछ तो फ्रॉड चल रहा है मेरे साथ और उसने वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद इमीडिएटली वो लंदन की जो लेडी है उसने फिर से उसको कम्युनिकेशन चालू किया कि यार मुझे मैं सुसाइड करूंगी और सुसाइड करने के बाद वो जो ब्लेम है वो पूरा आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये फिर से डर गया था, थोड़ा प्रेशर में आ गया था। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, मतलब अराउंड एक 1.5 lakhs उसने एक्सपेंस करने के बाद मुझे फ़ोन किया और उसको मैंने बताया कि भाई ये सब चीज़ फ्रॉड है, आपको ये यूज़ नहीं करनी है। और फिर भी अभी उसको करंटली वो फ्रॉड चालू है और उसको फिर से उसको कंटिन्यूसली वो लंदन की लेडी व्हाट्सएप पे पिंग कर रही है, बोल रही है कि मैंने आपके सब फोटोज़ डाउनलोड कर लिए है, उसको माफ़ किया है, अगर आपने वो पैसा नहीं भरा तो मैं ये फोटोज़ आपके जो फ्रेंड्स है वो सब फ्रेंड्स को वो फोटोज़ में भेजना चालू कर दूंगी। तो ये थोड़ा प्रेशर में था, उस डर गया था। तो उसको मैंने बताया कि कोई डरने की चीज़ नहीं है, उसने पुलिस कंप्लेंट भी अभी की है रिसेंटली। तो उसको बताया कि कुछ कोई डरने की चीज़ नहीं है, उसे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको पैसे भरने के लिए वो प्रेशर किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे साइबर क्राइम केसेस पुलिस स्टेशन में हमेशा रजिस्टर होते रहते हैं। तो आपको पता ही चला होगा कि कोई भी सोशल मीडिया साइट पे या कोई किसी सोशल मीडिया ऐप पे किसी अननोन व्यक्ति से बात करना कितना हार्मफुल हो सकता है या कितना घातक हो सकता है। सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें हमेशा लेने चाहिए। उन प्रिकॉशंस के बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। आपको किसी भी कीमत पे किसी भी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है।
आपका कुछ तो म्यूचुअल कनेक्शन होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसे होता है कि फेसबुक पे लाइक्स बढ़ाने के लिए या कोई किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे लाइक्स बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे अनजान व्यक्तियों का हमारे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के बाद उनके आपके पूरे प्रोफाइल का एक्सेस उन्हें मिल जाता है और वो आपके कंटेंट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी अननोन व्यक्ति को या किसी भी अनजान व्यक्ति को आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड मत कीजिए। सोशल मीडिया के किसी भी फ्रेंड के साथ आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर मत कीजिए, चाहे वो फोन नंबर हो या आपके घर का एड्रेस हो। एक बात आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठी है उसकी आइडेंटिटी आप कभी वेरीफाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने उसके फोटो में एक पीछे कार लगाई और उसने बताया कि ये कार मेरी है, तो आप कभी वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि ये स्पेसिफिक कार उसकी है या नहीं, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये आपको ये भी पता नहीं है कि वो फोटो ही उसका एक्चुअल में है कि नहीं, उसने कोई दूसरे किसी प्रोफाइल का फोटो डाउनलोड किया होगा और अपने प्रोफाइल में लगाया होगा। तो आप ये बात एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि किसी पे भी, किसी अनजान व्यक्ति पे सोशल मीडिया पे भरोसा करना ही नहीं है। सोशल मीडिया पे हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स हमेशा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आपके जो कंटेंट है वो सिर्फ आपके दोस्तों को ही दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया लंदन की लेडी का, जो मेरे दोस्त के साथ अभी इंसिडेंट हुआ, उसमें उसने वो लेडी ने जो प्रोफाइल पे पिक्चर लगाया होगा वो भी कोई किसी दूसरे प्रोफाइल से उसने उठाया होगा और वहाँ पे उसके प्रोफाइल पिक्चर में अपलोड किया होगा, ये आप कुछ भी बता नहीं सकते हो। तो आपके कंटेंट कोई भी डाउनलोड कर सकता है और उसे यूज़ कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके कंटेंट जो है वो आपके जो ऑथेंटिकेटेड दोस्त हैं उनको ही दिखने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है कि आपकी सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड लिस्ट है उसे आपको क्लियर करना है। जो भी अननोन लोग जिन्हें आप पहचानते नहीं हो उनको आपके फ्रेंड लिस्ट से आप रिमूव कर दो। आप कभी बता नहीं सकते कि कौन आप पे जासूसी कर रहा है या कौन आपके कंटेंट कैसे यूज़ कर रहा है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको इस चीज़ का काफ़ी सावधानी से ध्यान रखना है कि अननोन लोग आपके फ्रेंड लिस्ट पे आए ही नहीं। दोस्तों अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आपको इमीडिएटली आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। आपको वो कंप्लेंट पूरे डिटेल में रिटर्न में लिखनी है, आपका पूरा इंसिडेंट वहाँ पे मेंशन करना है और वो लेटर आपको आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सबमिट करना है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि ऐसे एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की जाती है और उसमें आपको प्रेशराइज करने का ट्राई किया जाता है या आपको ब्लैकमेल करने का ट्राई किया जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी इसमें कुछ भी गलती नहीं है और आपको इसमें डरना भी नहीं है। आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस आपके हमेशा इस चीज़ में सहायता करेंगे। दोस्तों सोशल मीडिया जितना पावरफुल है उतना ही हार्मफुल भी है। जो टिप्स अभी आपको बताई गई है उसे आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके नज़दीकी लोग ऐसे कोई सिचुएशन में फंसे नहीं तो उनसे भी इस वीडियो के लिंक शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में डालिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। और ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो अपडेट्स पाने के लिए, सिक्योरिटी टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय टेक्नोलॉजी।